जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। इंतजार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जैसा कि आप थंबनेल में देखते जा रहे हो। प्रतिदिन एक ना एक आर्मी आरओ का रिजल्ट आता जा रहा है, प्रतिदिन आपको लगातार वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती जा रही। अब देखो, और फिर से शाम को कुछ आरओ का रिजल्ट आ गया था, अब कुछ जगह का रिजल्ट अभी और आया है जस्ट। तो मैं आपको बता देता हूं कि किन किन आरओ का अब तक रिजल्ट, आरओ या बीआरओ का रिजल्ट अब तक आ चुका है। तो आरओ या बीआरओ में सबसे पहले बेलगांव का रिजल्ट मेरे पास में पहुंच चुका है, बेलगांव का। अब आप कहोगे सर आप कैसे पता करेंगे हम कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, जैसे जोधपुर का कब आएगा, अहमदाबाद का कब आएगा, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। बेलगांव का आपका आ चुका है, इसके बाद में अगर मैं आपको, अब आप कहोगे सर अब यहाँ वीडियो में तो आपको कुछ दिख नहीं पाएगा रोल नंबर, तो इन्हीं पीडीएफ को मैं कमांडो एकेडमी के वेरीफाइड टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो वहां आप अच्छे से देख सकते हो। बेलगांव से भी देखो काफी सिलेक्शन हुए है, काफी सिलेक्शन हुए दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ गई है ना वो लगभग यहाँ से 80 और 88, 165 प्लस ही गई है, ध्यान रखना 165 प्लस ही कट ऑफ गई है आपकी। चाहे कहीं से भी हो आप 165 प्लस अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित रहिएगा। अगर आपने 42 से 43 क्वेश्चन पेपर में किए हैं और 88 मार्क्स अगर आपके फिजिकल में है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता 42-43 पे। हो सकता है कहीं से थोड़ी सी 160 चली जाए, लेकिन ज्यादातर जो जगह कट ऑफ गई है वो 165 प्लस कट ऑफ ही गई है, ध्यान रखना। तो हो सकता है अगर आपका ऐसा हो तो इसमें देखो अग्निवीर ट्रेड्समैन आरओ बेलगांव में, एआरओ बेलगांव में भी 6-7, 3-3 और 6 सिलेक्शन हुए। आगे एक भोपाल का आ गया, भोपाल का रिजल्ट आ गया, एआरओ भोपाल का रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहां से भोपाल से भी काफी सिलेक्शन हुए हैं, भोपाल से देखिएगा काफी सिलेक्शन इससे दिखाई जा रहा है यहां से। ये आप पीडीएफ है ना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमांडो एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब अगला देखिएगा, अगला कालीकट, कालीकट भी आ गया, एआरओ कालीकट का भी रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, ध्यान रखना दोस्तों। जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं कौन कौन से। अब आप क्या करते हैं, कई जगह लाइव रिजल्ट चल रहे हैं तो वहां देखने लग जाते हो मेरा रोल नंबर कितना। अरे सीधा कुछ नहीं करना, अभी बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में जाकर कैसे क्या आपको अपना रिजल्ट देखना है। वहां आपको पीडीएफ, अगला कोई भी परिणाम आएगा सीधी आपको वही पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। अगला देखिएगा, अगला कालीकट के बाद में अपना जो परिणाम आ गया ग्वालियर आरओ का आ गया, और ग्वालियर आरओ की मैं कहता हूं कि 165 प्लस कट ऑफ गई है, 165 प्लस कट ऑफ ग्वालियर की गई है, ग्वालियर एआरओ की। तो अगली बार ध्यान रखना अगर आपके 88 मार्क्स फिजिकल में है तो कम से कम आपको 45 क्वेश्चन करके आने हैं, 45 क्वेश्चन के 90 और 88 मतलब 178 अंक होंगे तभी आपका सेफ स्कोर होगा, ध्यान रखना। अभी एक बंदे ने कॉल किया था जिसको 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आया था, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया ग्वालियर आरओ से, ध्यान रखना। अगला आपके सामने ग्वालियर के बाद में अगला जो आपका परिणाम बनने वाला है रायपुर का, रायपुर एआरओ का रिजल्ट भी आ चुका है। रायपुर छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आर रायपुर, वहां का परिणाम भी देखो आ चुका है। अगला अगर आप देखते हैं इसके बाद में, रायपुर के बाद में अगर आप अगला देखें तो देखिएगा अगला आपका है त्रिवेंद्रम है ना, त्रिवेंद्रम का रिजल्ट भी आ चुका है, त्रिवेंद्रम का रिजल्ट भी आ चुका है एआरओ का। तो यहां से भी एक अच्छी खासी सिलेक्शन की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। अगला मैं आपको बता देता हूं त्रिवेंद्र के आगे, अगला कोयम्बटूर का रिजल्ट भी आ चुका है, देख लीजिएगा 30 जनवरी 23 कोयम्बटूर का रिजल्ट भी क्या हो चुका है, आउट हो चुका है भाई, कोयम्बटूर का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, ध्यान रखना। अगला आपके सामने कोयम्बटूर के बाद में जो अगला आपका परिणाम बनेगा, देखो कोयम्बटूर में काफी सीटें थी भाई, कोयम्बटूर से देखो काफी सिलेक्शन हुए हैं, आपके सामने लिस्ट लंबी चली जा रही है कोयम्बटूर, इसका मतलब काफी बड़ी वैकेंसी। अगला जो आपका रिजल्ट परिणाम है सिकंदराबाद का, सिकंदराबाद एआरओ का रिजल्ट आ चुका है, पीडीएफ आपको कमांडो एकेडमी के टेलीग्राम में मिल जाती है। निराश नहीं होना है दोस्तों, जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाइयां, अपने अग्रिम भविष्य के लिए, अपने अग्रिम यात्रा के लिए अग्रिम नए एक जीवन मिल जाता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है इंडिया में तो उसको एक नया जीवन माना जाता है, तो आपको नए जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार पेपर पहले आपको अच्छी से तैयारी कर लेनी है, चाहे कहीं से भी करो लेकिन एक अच्छी तैयारी आपको कर लेनी है। कमांडो एकेडमी भी इसके साथ ऑफलाइन बेच चलाती है, गारंटेड आर्मी के बेच, तो यहां से भी अच्छे खासे सिलेक्शन इसमें होने वाले हैं। तो यहां से सिकंदराबाद के बाद में हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट आपका चेन्नई आरओ का, चेन्नई आरओ हेडक्वार्टर का रिजल्ट भी रिलीज हो चुका है दोस्तों। और यहां से सबसे ध्यान रखना ये पीडीएफ इंपोर्टेंट है, ये हर किसी के पास नहीं पहुंचा जाती है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत,
कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का भी रिजल्ट आ चुका है। ये जो लिस्ट लगती है, ये पेज हर किसी के पास में नहीं आ पाते, ध्यान रखना, ये फोटो हमारे द्वारा मंगवाई जाती है। अगला देखिएगा, आरओ के बाद में आर्टरी सेंटर हैदराबाद का रिजल्ट भी आ चुका है। यहां से भी काफी सिलेक्शन आपको यहां से लिस्ट में दिख रहे हैं, काफी कम पोस्टें थी यहां से भी। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, आपने परिणाम तो दिखा दिया लेकिन हमें तो कुछ दिखा नहीं, तो तुरंत जाना है कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पर ध्यान रखना मोबाइल में अपना तीर सा चिन्ह सर्च का ऊपर लिखा होता है, उस सर्च में अपने रोल नंबर डाल देना, वहीं से आपका सिलेक्शन उससे हो जाएगा। अभी जैसे अकेडमी के एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या किया हमने, यहां पर है ना ऐसा तीर सा आएगा सर्चिंग का, वहां पर सर्चिंग में वो नंबर अंक डाल दो, लास्ट के जो 6 रोल नंबर है आपके, 6 अंकों का जो रोल नंबर है उसको आपको फिलअप कर देना, वहीं से आपको मिल जाएगा। देखो अगर आप आगे भी, अब पेपर पहले होगा कंफर्म है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको, कमांडो अकेडमी ऑफलाइन 3 मंथ का, अगर आपको शॉर्ट टाइम बेच चाहिए तो 3 मंथ 35,000 रुपए में आपको बेच, अगर आप 1 साल का बेच लेना चाहते हो 1 ईयर का बेच, बहुत ही शानदार बेच होता है, इसमें सिलेक्शन हो ही जाता है, ध्यान रखना 99% चांसेस होते हैं, 100% ही कहता हूं मैं तो, 100% चांसेस होते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तक अच्छी मेहनत अगर आप निरंतर कहीं कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाता है। तो एक बार सभी को मैं जय हिंद वंदे मातरम, इन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, आपको परेशान नहीं होना। आप कहोगे सर क्या हम अब हर टाइम आपका ये आपका यूट्यूब चैनल ही खोल के बैठ जाए क्या रिजल्ट के लिए, तो आपको बैठना नहीं है, आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखना है गूगल पे जाकर, वहां पर एक ऐसा कोड आपको भरना पड़ेगा, इस कोड को अगर हम भर देते EPH आपके अलग कोड आएगा, आप इसको लिखने मत लग जाना, आपकी एक अलग कोड मिलेगा आपको, उसमें से आपको Y और इधर से P, अब ये भर दिया जैसे ही, अब एंटर वेबसाइट कर गया, एंटर वेबसाइट जैसे ही आप करते हो इधर अग्निपथ लिखा है, कोई भी परिणाम आ रहा है, ये देखिएगा फाइनल रिजल्ट यहां पर लिखा है, ये फाइनल रिजल्ट यहां पर लिखा है, ये देखो यहां पर आपको सारी लिस्टें मिल जाएगी, जो जो लिस्टें आपको चाहिए सारी लिस्टें आपको यहां से मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर क्या सारी मिल जाएगी, तो मैं कहता हूं हां बिल्कुल सभी की सभी लिस्टें आपको यहां से मिल जानी है। तो देखिएगा यहां से देखो रायपुर का रिजल्ट, ओरिजिनल रिजल्ट आता है जो भी आएगा, ओरिजिनल रिजल्ट ही आपको यहां से मिलेगा, देखो रायपुर का मिल गया यहां से आपको, साथ में आपको ग्वालियर का रिजल्ट आ चुका है अब तक, तीसरा आपको ध्यान रखना है देखो भोपाल का रिजल्ट का भी यहां पर पीडीएफ डाल रखा है, भोपाल का रिजल्ट भी यहां पर आ चुका है, ये देखिए ये कहां रहा, ये रहा भोपाल, भोपाल के बाद त्रिवेंद्रम का रिजल्ट आ चुका है, कलिकट का रिजल्ट आ चुका है, बेलगाम का आ चुका है, चेन्नई का आ चुका है, सिकंदराबाद, कोयम्बटूर, उसके बाद में अगला रिजल्ट अपना किसका है, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली 2022 CEE, हाँ शिमला, ये रहा इधर शिमला का रिजल्ट आ चुका है, रोहतक का रिजल्ट आ चुका है, मांडी का रिजल्ट आ चुका है, अगला चरखी दादरी का रिजल्ट भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से मैं आपको बता देता हूं लगभग सारे परिणाम आ चुके हैं, लगभग सारे परिणाम आ चुके हैं, आप निश्चित रहिएगा, आगे की पीडीएफ भी आपको इस तरह से मिल जाएगी। देखो आगे की पीडीएफ में मैं आपको बता देता हूं और किन, मांडी के बाद में चक्री दादरी के बाद में अंबाला का रिजल्ट आ चुका है, अगर कोई सो रहा है तो देख लेना, गोपालपुर 15 जनवरी वाला रिजल्ट आ चुका है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ब्रह्मपुर, ये देखो सारे रिजल्ट आपको, और इससे पहले जो रिजल्ट आया था वो कलर का रिजल्ट आया था वो भी यहां पर पड़ा है, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूं कि आपको किस तरह से देखना है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी जैसे ही आप जाओगे एक रिजल्ट का रहेगा, तो रिजल्ट पे उस पर क्लिक करोगे वहीं से आपको फाइनल रिजल्ट पे मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप यहां पर बस इन्फॉर्म यहां रखो, जो भी नया रिजल्ट आएगा आपको रायपुर से ऊपर दिखाएगा, जो भी नया रिजल्ट आएगा वो आपको कहां दिखाएगा, रायपुर से। तो अब आप उन चैनलों को पीछा छोड़ दीजिए जो चैनल लगातार लाइव आकर आपको बता रहे हैं लो इसका आ गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह तक पहुंचा देनी है अपने दोस्तों तक। अब आप कहोगे सर इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने का रास्ता भी मैं आपको बता देता हूं कि जो ही क्लिक करोगे ये हो गई डाउनलोड। अगर आपको अपना चेक करना है रिजल्ट तो ये देखो ये पीडीएफ अपनी डाउनलोड हो जाएगी यहां से अपने रोल नंबर, बिल्कुल देखो ऐसे बहुत ही खतरनाक अच्छे से पीडीएफ, अब आपको रोल नंबर भी दिख रहे होंगे इस पीडीएफ में, क्योंकि ये आर्मी की ओरिजिनल पीडीएफ यहां से आपको मिल गई। अब आपको कहोगे सर हम सर्चिंग का मारेंगे, तो मोबाइल में सर्चिंग का ऑप्शन दे रहा है, इसमें सर्चिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें सर्चिंग का ऑप्शन आपको नहीं दिया है, इसमें तो बस यही कह रहा है यहां से, ये देखो ये तो बड़ा छोटे करने का दिखा रहा है, बड़ा हो गया, ये देखो आराम से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो इसमें, अगर रोल नंबर कुछ भी आपको देखना हो करना हो तो सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएगी। तो अब सभी को जय हिंद वंदे मातरम, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो अपने परिणाम का, प्रिंट के लिए इधर दे रहा है, तो सभी को जय हिंद वंदे मातरम।